हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोफ़ी अहमद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब एजुकेशन हैंड चैनल। ये लेसन नंबर 5 है ऑफ हिस्ट्री का, जो कि लेसन नेम था हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड लास्ट टॉपिक इज़ जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। लास्ट मैंने इस टॉपिक पे ख़त्म किया था, आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिवोल्ट, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा, ओके। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आगे रिवोल्ट में कहाँ तक ये एक्सटेंड किया, और भी आगे इसमें क्या चीज़ें हुई वो हम सारी चीज़ें और जानेंगे। रिवोल्ट जो था मेरठ से दिल्ली तक स्प्रेड हुआ था, और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी। ये ज़्यादातर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग था सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे कि हमारे आ जाते हैं लाइक लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, अर्रा, फैज़ाबाद में। और भी जो अदर एरियाज थे वो भी अपराइज हो रहे थे, मतलब स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है। वहाँ पे भी ये रिवोल्ट स्प्रेड हो रहा था। डिफरेंट लीडर्स थे, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने ही रिवोल्ट की शुरुआत करी थी हर एक रीजन से। कानपुर से शुरुआत की थी नाना साहिब ने, जो कि अडॉप्टेड सन थे लास्ट पेशवा के। इनको असिस्ट कौन कर रहा था? तांतिया तोपे और अजीमुल्ला। बरेली से किसने बिगिन किया था? 31 मई में बिगिन हुआ था, और खान बहादुर खान ने किया था। अर्रा में कुंवर सिंह थे, जो कि ओल्ड मैन माने जाते थे 70s के, और इन्होंने मेन रोल प्ले किया था रिवोल्ट में, ठीक है। मेन तो नहीं, हाँ एक रोल प्ले किया था, लीडिंग रोल जिसको कहा गया है। उनके एफर्ट्स थे कि उन्होंने जो रिवोल्ट था अदर पार्ट्स ऑफ बिहार प्रोवंस में भी स्प्रेड करवाया था, लाइक रांची एंड संबलपुर। झांसी से रिवोल्ट किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी। दिल्ली से बख्त खान ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और इनको असिस्ट कर रहे थे मौलवी अब्दुल्ला शाह। राजपूताना जो थे, डक्कन और एंटायर जो पेनिनसुला था, वो इससे अनअफेक्टेड था, किससे? रिवोल्ट ऑफ 1857 से, ठीक है। और भी जो प्लेसेस थी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की, उनमें अपराइजिंग अकर्ड नहीं हुआ, ठीक है। अनरेस्ट प्रिविल्ड एंड इवन सिविलियंस ज्वाइन द सिपॉयज, मतलब प्रिविल्ड तो नहीं, लेकिन जो सिविलियंस थे उन्होंने जरूर सिपॉयज को ज्वाइन किया था। दे हेल्प द रिबल्स बाय गिविंग देम फूड एंड शेल्टर, उन्होंने रिबल्स की कैसे हेल्प की थी? उनको खाना दिया था और रहने के लिए शेल्टर दिया था, जगह दी थी। केस स्टडी में अवध के बारे में बताया है, एक ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी एक एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, 1801 में, किसके बीच में? ब्रिटिश और नवाब ऑफ अवध के। उसमें ये अरेंजमेंट था कि वॉज मेड डैट वॉज वेरी बेनिफिशियल टू द कंपनी, उसमें जितने भी अरेंजमेंट थे वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे। दे वर एबल टू यूज अवध्स वास्ट ट्रेजरीज, ठीक है। वो अवध की जितनी भी ट्रेजरीज थी वो वास्ट में यूज कर सकते थे। रिपीटेडली डिगिंग आउट देम फॉर लोन्स एंड रिड्यूस रेट, वो उनसे लोन दोबारा से डिग कर सकते थे और उनके रेट भी रिड्यूस करवा सकते थे। नवाब जो थे वो सेरेमोनियल किंग थे, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए इससे, मतलब कि बहुत लिटिल इन्फ्लुएंस थे। हाउएवर जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या हुआ, उनके अंदर इम्पेशेंटनेस था, उन्होंने अरेंजमेंट किया एंड वांटेड डायरेक्ट कंट्रोल, वो डायरेक्टली अब कंट्रोल पाना चाहते थे पूरे अवध पे। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने ट्रूप के साथ बड़ी बॉर्डर पे, एंड उसने अनेक्स्ट किया पूरी स्टेट को, विच वॉज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर के अंडर में आती थी, जो कि सर हेनरी लॉरेंस थे। वाजिद अली शाह और जो कि नवाब थे उनको इम्प्रेशन कर लिया और एग्जाइल कर दिया, कंपनी से टू कलकत्ता भिजवा दिया गया। इन द सब्सिक्वेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 हिज 14-year-old सन जो कि बिर्जिस कादरा थे, उनको राज्य पर बिठा दिया, ठीक है, एज अ रूलर के तौर पे। फॉलोइंग द रिबेलियंस डिफीट, उन्होंने आगे चल के और भी जो रिबेलियंस थे इनको डिफीट किया, जैसे कि कादर एंड अदर रिबेल लीडर्स ऑब्टेन अजालम अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर इन नेपाल। तो उनको जब यहाँ से निकाल के भगा दिया, फिर उनको कहाँ शेल्टर मिला? नेपाल में। वेन लॉर्ड डलहाउजी अनेक्स्ड अवध इन 1856 में, जब उन्होंने अवध को अपने अंडर में कर लिया था, इट वॉज ग्रेटली रिसेंटेड बाय द पीपल एज द अवध नवाब्स हैड ऑलवेज बीन लॉयल टू द ब्रिटिश। अब अवध के बीच में या जो लोग थे उनके बीच में काफी ज्यादा रिसेंटेड
चीज जो थी अगेंस्ट फीलिंग वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि नवाब जो थे वो हमेशा ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे, तब भी उनके लिए या उनके खिलाफ चीजें की गईं। दिस इवोक्ड सिंपैथी इन द पीपल फॉर द नवाब ऑफ अवध हु वाज ऑलरेडी सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। लोगों के बीच में अब सिंपैथी होने लगी किसके लिए, नवाब ऑफ अवध के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी सफर कर रहे थे क्योंकि वो अब ब्रिटिशर्स के हाथों में थे। इवन लार्ज नंबर ऑफ सिपाही जो थे जो अवध से आए थे उनके अंदर भी काफी ज्यादा गुस्सा था, उन्होंने एक एटमॉस्फियर क्रिएट किया जो कि एटमॉस्फियर ऑफ रिबेल कहलाता था। सिपाही जो थे रोज इन रिवोल्ट ऑन 30 मई 1857। अब रिवोल्ट में वो क्या हो गए थे, एंगेज हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रेसिडेंसी को पूरा घेर लिया था, सराउंड कर लिया था। ऑल यूरोपियन हैड टेकन रिफ्यूज, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, पूरे जो यूरोपियंस थे उनको रिफ्यूज कर लिया था, घेराबंदी में ले लिया था, ठीक है। देन बिगिन द लॉन्ग सीज बाय द सिपाही फॉर 8 मंथ्स। सीज मीन्स होता है घेराबंदी करना। 8 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू ये घेराबंदी रखी। सिपाही जो थे वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे, बेगम हजरत महल से और मौलवी अब्दुल्ला शाह से। हेनरी लॉरेंस जो थे उस समय उनकी डेथ हो गई थी उसी पीरियड में। द फेट ऑफ द रिवोल्ट, अब रिवोल्ट फेट मीन्स होता है भाग्य, तो रिवोल्ट का जो भाग्य था वो क्या था कि ये डिसाइड हुआ कि बाय द फेलियर ऑफ द सिपाही इन अवध, जब वो अवध में फेल हो गए, दो दे वर मोर इन नंबर दे फेल टू रिमूव द ब्रिटिश, वो फेल तो हुए लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी रिमूव कर दिया था। अब आता है सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द रिवोल्ट इट वॉज सप्रेस्ड विद इन अ लिटिल ओवर अ ईयर। जैसे कि वाइड स्प्रेड नेचर था रिवोल्ट का, उस समय सप्रेस्ड हुआ कुछ चीजों के ऊपर 1 साल के अंदर, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को सप्रेस्ड किया था। किस चीज को लेकर, कोलिन कैंपबेल एंड हेनरी हैवलॉक जो थे रिक्लेम द लॉस्ट टेरिटरीज, उन्होंने रिक्लेम किया कि जो उनकी लॉस्ट टेरिटरीज हैं वो उनको वापस लेना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, दिल्ली को रिकैप्चर्ड किया किसके थ्रू, बाय द ब्रिटिश फोर्सेज इन सितंबर 1857 में। मुगल एम्पायर जो थे बहादुर शाह जफर, उनको प्रिजनर बना लिया, बंदी बना लिया, फिर उनको डिपोर्ट किया रंगून इन बर्मा जो कि अब म्यांमार कहलाता है। मुगल डायनेस्टी जो थी वो एंड हो चुका था उसका। बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह लड़ाई में मारे गए, ठीक है। नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो थी एस्केप टू नेपाल, वो लोग नेपाल को चले गए। तांतियां जो तांतियां तोपे थे उनको भी कैप्चर कर लिया और उनको हैंग कर दिया, मतलब कि फांसी पे चढ़ा दिया। मैनी क्रुएलिटीज वर कमिटेड बाय बोथ साइड इन द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, मतलब कि जैसी भी क्रुएलिटी थी, जैसी भी क्रूरता थी, सबने कमिट करी दोनों ही तरफ से, ठीक है, रिवोल्ट में। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट हाउएवर द रिबेल सोल्जर्स एंड द सिविलियन पॉपुलेशन सफर्ड अ टेरेबल फेट। अब जो सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट था उसकी वजह से जो रिबेल सोल्जर्स थे और सिविलियन पॉपुलेशन थी उसने काफी ज्यादा सफर्ड किया, क्योंकि एक वो टेरेबल फेट था, बहुत ज्यादा बुरा भाग्य हो गया था उस समय। रिबेल सोल्जर्स थे उनके उनको टाइटली बांध दिया जाता था, किससे, माउथ ऑफ कैनन से, तोपों से, और फिर उनको उड़ा दिया जाता था। इनोसेंट सिविलियंस थे उनको हैंग कर दिया जाता था, फांसी पे टंगा दिया जाता था, मर्सीलेसली उनको मार दिया जाता था, वो भी लार्ज स्केल में। इवन स्मॉल चिल्ड्रन ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, इन ह्यूमन क्रुएलिटीज की गई थी। ऑल दीज एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी वर डन टू डिसुएड अनदर मास रिवोल्ट इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें जो बुरी चीज़ें हुई थी, घटनाएं हुई थी, उनको करते हुए अब मास रिवोल्ट इन फ्यूचर में होने लगा था, मतलब शुरुआत हो रही थी। फेलियर ऑफ द रिवोल्ट क्या था, रिवोल्ट किस वजह से, किन कारणों से फेल हुआ था, मैनी रीजंस थे कि जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट फेल हो गया। रिवोल्ट जो था वो ज़्यादातर स्प्रेड नहीं हो पाया इंडिया के अलावा, सपोर्ट नहीं मिला बाय ऑल ग्रुप्स एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है, ठीक है। सम जो थे ओपनली सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को और अगेंस्ट थे किसके, रिबेल्स के खिलाफ थे। राजपूत प्रिंसेस, सिख रूलर्स ऑफ पटियाला, नाभा एंड कश्मीर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट, उन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन करने से मना कर दिया था।
देर वॉज नो प्रॉपर आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजी, ना कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी थी ना स्ट्रेटेजी थी, जिसके वजह से और जो रिबेल्स थे वो सिस्टमेटिकली अटैक नहीं कर पाए, ठीक है, उनको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने के लिए. मोस्ट लीडर्स जो थे फाउ टू लिबरेट ओनली देयर ओन टेरिटरीज के लिए वो लोग अपने लिए लड़े. देर वर नो नेशनल लीडर टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, कोई नेशनल लीडर नहीं था उनमें से जो मूवमेंट को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके. रिबल्स जो थे उनके पास शॉर्ट वीपन्स थे और फाइनेंसेस भी बहुत कम था. मिलिट्री टेक्निक्स जो थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी. और ब्रिटिश जो थे दूसरी तरफ हैंड हैड द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रांग गवर्नमेंट के, उनका उनके पास पूरा एक स्ट्रांग गवर्नमेंट सपोर्ट था, वो भी इंग्लैंड से. उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था इंडिया में वो काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड था बाय रेलवेज रोड्स एंड टेलीग्राफ लाइन से. तो वो लोग इसमें रिवोल्ट में सक्सेसफुल रहे. किसके अगेंस्ट? रिबेल्स के अगेंस्ट. रिबेल्स हार गए थे, ठीक है, रिवोल्ट इसी वजह से फेल हो चुका था. मोटूनो में बताया हुआ है कि द प्रिवेंट अनादर सच रिवोल्ट द ब्रिटिश स्प्रेड टेरर अमंग द इंडियंस. अब ब्रिटिशर्स ने क्या स्प्रेड किया? टेरर स्प्रेड किया इंडियंस के बीच में. उन्होंने क्या किया था? रिबेल्स को क्या करते थे? माउथ ऑफ कैनन से बांध देते थे तोपों से और फिर उनको ब्लू ऑफ करते थे, मतलब कि तोपों को फिर उससे गोले छोड़ा करते थे. इनोसेंट सिटीजन थे वो मर्सलेसली मारे गए बहुत ज्यादा मात्रा में. ऑल टाइम्स क्या हुआ? एट टाइम्स इवन होल विलेजेस वर बर्न डाउन. जो विलेजेस थी सारी उनको पूरी तरह से जला दिया था, खत्म कर दिया था. नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या था? ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थी उसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता था एज द सिपॉय म्यूटिनी टू रिड्यूस इट्स मैग्निफिशेंस, कि जो सिपॉय म्यूटिनी थी उनकी ताकि वो रिड्यूस कर सके जो उनके मैग्निफिशेंस थे. हाउएवर द फैक्ट सजेस्ट अदरवाइज. द रिवोल्ट बिगिन विद अ म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज बट वॉज सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉपुलर रिवोल्ट. रिवोल्ट शुरू हुआ था म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज से लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था एक पॉपुलर रिवोल्ट में जब पीपल ने डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ज्वाइन किया. ये था. दिस इज क्लियर फ्रॉम द स्टैटिस्टिक विच शोज दैट आउट ऑफ द 150,000 पीपल किल्ड इन द रिवोल्ट द मेजोरिटी वर सिविलियंस. इसने ये स्टैटिस्टिक लगाया था कि इस रिवोल्ट में 150,000 पीपल मारे गए थे और जो मेजोरिटी थी वो ज्यादातर सिविलियंस की थी. रिवोल्ट कैरेक्टराइज्ड करता था बाय हिंदुज्म और मुस्लिम यूनिटी एज पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज फाउट टुगेदर. दोनों ही लोगों ने मिलकर ये रिवोल्ट लड़ा था. द एक्सटेंट ऑफ रिवोल्ट इट्स स्प्रेड एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इट मेड द इंडियन हिस्टोरियंस टर्म इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स के ये रिवोल्ट एक्सटेंड हुआ था, स्प्रेड हुआ था, जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था ये इंडियन हिस्टोरियन में मेड किया गया, ठीक है, और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है. किसको? रिवोल्ट ऑफ 1857 को. रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट क्या था? रिवोल्ट जो था प्रोड्यूस हुआ था फार रीचिंग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट जो थे इसके बहुत ज्यादा दूर थे. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन देयर ओल्ड पॉलिसीज. अब जो उनकी पुरानी पॉलिसीज थी उनमें उन्होंने चेंज किया, जैसे कि बताया हुआ है जो रूल था EEIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो फॉर्मली एंड कर दिया गया इंडिया में. एक एक्ट पास हुआ बाय द पार्लियामेंट जिसको क्वीन प्रोक्लेमेशन कहा जाता है. इन अगस्त 1858 में इसको पास किया गया था. द रूल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म टू द ब्रिटिश क्राउन एंड द पार्लियामेंट टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स. अब जो रूल था, ठीक है, वो इंडिया का ट्रांसफर कर दिया था किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास और पार्लियामेंट के पास, जो कि ये इंश्योर कर रहे थे कि जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स का, ठीक है, ताकि वो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल बने. फिर हुआ एक्ट ऑफ 1858 जिसने ये अबॉलिश किया क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट के थे उनको अपॉइंट किया गया, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया. किसका? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का. उनको जाना जाता था एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को लेकर, ठीक है, एंड वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल द इंडियन काउंसिल. उनको एक काउंसिल दी गई जिसको एडवाइस करने के लिए, जिसको इंडियन काउंसिल कहा जाता था. गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है, जिनको टाइटल दिया गया था वाइसरॉय का, दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन माना जाता था. लॉर्ड कैनिंग थे जो कि फर्स्ट वाइसरॉय बने थे अंडर द क्राउन.
ऑल रूलिंग चीफ्स जो थे कंट्री से वर अश्योर डेट देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर. उनको ये अश्योर कराया था कि उनकी जो टेरिटरीज हैं अब वो अनेक्स नहीं की जाएंगी उनके फ्यूचर में. दे वर अलाउड टू पास ऑन द किंगडम्स टू देयर हीर्स. उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अपना जो किंगडम है अपने हीर्स मतलब कि अपने बेटों को दे सकते हैं, ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन. अगर उनका अडॉप्टेड सन भी होगा तब भी उसको उसका जो राज्य है उसके फादर का उसके बेटे को दिया जा सकता है. However, they were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount or the supreme ruler. उन्होंने क्या किया, ये एक्नॉलेज किया कि ब्रिटिश क्वीन जो है वो सोवरीन पैरामाउंट है और सुप्रीम रूलर है. मतलब कि सोवरीन कैसे, कि मैंने जैसे कि आपको सिविक्स में भी बताया कि सोवरीन वो था कि इंटरनेशनली कोई इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन वो तब हुआ था जब इसमें चेंजेस लाए गए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था. ये सोवरीन तब का बताया जा रहा है जब ब्रिटेन इंडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करता था, जो भी पॉलिसीज वो बनाते थे वो इंडिया में यूज की जाती थी, ठीक है. द इंडियन आर्मी वॉज रिकोगनाइज टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवोल्ट. इंडियन आर्मी ने ये रिकोगनाइज किया कि एक फ्यूचर रिवोल्ट भी जरूर होगा. इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड. अब ये डिक्लेयर किया कि नंबर ऑफ आर्मीज जो इंडियन आर्मीज हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, उनको कम कर दिया जाए और नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया जाए. टू विन ओवर द लॉयल्टी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन इंडियाज रिलीजियस एंड सोशल कस्टम. अब उन्होंने लॉयल्टी जीतने के लिए क्या किया ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि वो आगे चल के उनके इंडियाज के रिलीजियस और सोशल कस्टम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे. सो एवरीवन, ये था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857. आई होप आपको ये लेसन बहुत क्लियरली समझ आया होगा. प्लीज रीड दिस लेसन वेरी वेरी केयरफुली. ऑल्सो प्लीज लिसन दिस वीडियो. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 5 and the revolt of 1857. If you have any doubt or any queries, please comment in my comment section box and please subscribe my channel and share this video. Also, please like this video and hit the bell icon. Thank you so much. Please इस video को जितना हो सके share कीजिएगा, please like करिएगा, और I hope आपको जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ आपको समझ आ रही होंगी लेसन वाइज, ठीक है. और आपको कोई भी अदर टॉपिक चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू सो मच.